नाउन के पार्ट सिक्स में पुनः आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम नाउन के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को हम जानेंगे कि उनका व्यवहार कैसा होता है। तो पहला लिखे हैं कि सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर रूप में होता है। इनका प्रयोग प्लुरल में तभी किया जाता है जब उस ग्रुप में जो हो मतभेद निकलकर या डिफरेंट विचार निकलकर आता हो। अगर सब का विचार एक ही है तब तो वह सिंगुलर होगा, लेकिन जब डिफरेंट डिफरेंट विचार या मतभेद आएंगे तब वैसे स्थिति में कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब प्लुरल आएगा। जैसे द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पैश्चर। गूज का प्लुरल गीज हंस होता है, तो इसका जो फ्लॉक जो है, झुंड जो है, अपना अधिकांश समय बिताता है कहाँ? इन द पैश्चर मतलब चरागाह में, हरियाली में, हरे भरे मैदानों में। द जूरी, जूरी पंच को कहा जाता है। द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, कोई मैटर है तो जूरी एक ग्रुप में होकर के उसको डिसाइड कर रहा है। द कमिटी मीट्स एवरी वीक, जो कमिटी जो है प्रत्येक सप्ताह मिलते हैं, तो एकजुटता, एक भाव। लेकिन अगला एग्जाम्पल देखें, द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। अब जब टीम में कैप्टनशिप की बात हुई कि कैप्टन कौन बनेगा, तो उस इशू पर जो है, उस जो विषय पर जो है, सो टीम के खिलाड़ियों का अलग अलग विचार आ गया, मतभेद आ गया, तो इस स्थिति में वर्ब प्लुरल होगा। द कमिटी हैव टेकन देयर सीट्स, कमिटी के जितने भी उसमें मेंबर्स हैं हर को अलग अलग बता रहा है, उन लोगों ने अपना अपना सीट ले लिया है। ऐसे भी कह सकते हैं, द कमिटी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब कमिटी में जितने भी मेंबर हैं, अब उस मेंबर में अलग अलग विचार आ गए, तो यहां पर देयर देखिए, ये प्लुरल प्रोनाउन उसके लिए आया। पीपी का मतलब यहां प्लुरल प्रोनाउन के रूप में आया है। तो आपने देखा कि कौन स्थिति में कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर होगा और कौन स्थिति में कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब प्लुरल होगा। तो जब प्लुरल होता है, प्लुरल रूप में जब इसका प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर हम, ये तो कलेक्टिव नाउन था, जब सिंगुलर रूप में आया था, सिंगुलर रूप में आया है, सिंगुलर, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण बात है, मिलता है। जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर रूप में हो तो इसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे, लेकिन जब प्लूरल रूप में आ जाता हो, डिफरेंट ओपिनियन या डिस्प्यूट लेकर के, डिस्प्यूट मतलब मतभेद लेकर के आते हैं, तो अगर प्लुरल रूप में आते हैं तो इनको कहा जाता है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। आपको अच्छे किताबों में इसका जिक्र मिलेगा कि कलेक्टिव नाउन कब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो जाता है। तो अब आपको किताब का भी अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा। तो पूछेगा कि कलेक्टिव नाउन कब कलेक्टिव नाउन है, जब कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर हो, और कब कलेक्टिव नाउन नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है, जब उनका प्रयोग डिफरेंट डिस्प्यूट्स राय को लेकर के हो जाए, तो प्लुरल रूप में जब इसका प्रयोग होता है उन्मत भेदों को लेकर, तब उसको कहा जाता है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लुरल रूप में होता है, अर्थात इन नाउन्स के अंत में एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर बनाया नहीं जा सकता है, वो प्लुरल रूप में अवे करता है। ये देखने में भी प्लुरल लगते हैं,
एवं इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह होता है। तो एक पाठ हम आपको बता रहे हैं, उसको बिल्कुल आप याद कर लेंगे। वैसे भी नाउंस हैं जिनके दो भाग होते हैं, जैसे पिंसर्स, सीजर्स, कैंची दो भाग है, टोंग्स चिमटा दो भाग है, स्पेक्टेकल्स चश्मा दो भाग है, बिनोकुलर्स दूरबीन दो भाग है, ट्राउजर्स जो पैजामा होता है दो भाग है, सॉक्स मोजा दो भाग है। तो दो भाग वाला आप बिल्कुल अलग अलग छांट लेंगे, उसके बाद तब उसको याद करेंगे। दो भाग वाला भी इसमें है। वैसे नाउन जिसका दो भाग होता है वो हमेशा प्लूरल रूप में आता है और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आते हैं। तो जैसे यहां पर देखें, हम प्रयोग किए हैं माई शूज आर टाइट, तो शूज के दो भाग हैं, वर्ब प्लूरल आया। वेयर आर माई पैंट्स, पैंट्स के अनुसार आर आया है, ठीक है। तो अब देखें कि कौन कौन से हैं, पहले दो भाग वाला आप छांट लीजिएगा, ठीक है। सीजर्स आ गया, टोंग्स, पिंसर्स, प्लायर्स, बिलोज, बिलोज भाथी को कहा जाता है, ट्राउजर्स, पैंट्स, दो बार ट्राउजर्स लिखा गया था, टॉयल्स, टॉयल्स, टॉयल्स का मतलब शिकंजा होता है, टॉयल्स, शॉर्ट्स, गैलोज, फैंग्स, फैंग्स का मतलब डंक, गैलोज का मतलब होता है फांसी का फंदा, स्पेक्टेकल्स चश्मा हुआ, गॉगल्स धूप वाला चश्मा को कहा जाता है, बिनोकुलर्स दूरबीन है, आर्म्स भीख है, अमेंड्स क्षतिपूर्ति, आर्कीव्स मतलब ऐतिहासिक दस्तावेज को कहा जाता है, एरियर्स जो बकाया पैसा है उसको कहा जाता है, ऑस्पिसेस, ऑस्पिसेस संरक्षण, वेजिटेबल्स सब्जी है, हमेशा प्लूरल रूप में ही रहेगा, विनिंग्स जुए की जीत जो होती है, जुए में जीत उसको विनिंग्स कहा जाता है, रूइंस मतलब अवशेष, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इम्बर्स, इम्बर्स मतलब राख, फायरवर्क्स, लॉजिंग्स ट्रूप्स सेना के अर्थ में, आउटस्कर्ट्स पर्टिकुलर्स प्रोसीड्स रिगार्ड्स रिचेज संपत्ति के अर्थ में, वेजेज मजदूरी के अर्थ में, रिमेन्स सेविंग्स, शैम्बल्स वैल्यूएबल्स, थैंक्स सराउंडिंग्स वातावरण, टीडिंग्स टैक्टिक्स बिलोंगिंग्स शूज स्लीपर्स, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए, वेयर आर माई पैंट्स, तो दो भाग वाला पहले उसको अलग छांट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो दो भाग वाला जो भी होगा इस ग्रुप में आ जाएगा, उसके अलावा जो है उसको याद करना होगा। वेयर आर माई पैंट्स दो भाग है, पैंट्स है भर प्लूरल आया है, माई शूज आर टाइट, द प्रोसीड्स वेयर डिपोजिटेड इन द बैंक, प्रोसीड्स कहा जाता है जो लाभ पैसा जो लाभ के रूप में आया, All his assets संपत्ति were seized, arms arms मतलब भीख होता है, arms are given to the beggars, beggars को दिया जाता है, embers अंगारे, the embers of the fire are still burning, जो आग का जो अंगारा जो है अभी तक जल रहा है। तो वैसे nouns जिनके दो भाग हैं उनके पहले a pair of का प्रयोग करने पर भर्व सिंगुलर हो जाते हैं, तो इसको काउंटेबल बना देते हैं, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स तो वाज हो गया, लेकिन टू पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स तो वेयर हो जाएगा, फाइव पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स तो वेयर हो जाएगा, तो ए पेयर ऑफ लगा करके इसको काउंटेबल बना दिया, तो ए पेयर ऑफ लगने पर भर्व सिंगुलर हो गया। अब टू पेयर्स थ्री पेयर्स फाइव पेयर्स टेन पेयर्स ऑफ शूज तो काउंटेबल प्लूरल हो रहा है, तो भर भी प्लूरल हो जाएगा।
एक चीज इसमें और ध्यान देना है, वेजेज शब्द को याद रखना है। वेजेज का दो अर्थ होता है, एक होता है मजदूरी और एक होता है सजा। वेजेज का दो अर्थ होता है, तो मजदूरी के अर्थ में भर्व आपका प्लुरल होगा, भर्व प्लुरल, और सजा के अर्थ में विजेज के साथ भर्व सिंगुलर आएंगे। अब प्रयोग देख लें, हिज वेजेज आर वेरी लो, उसकी मजदूरी जो है से बहुत कम है, तो यहां पर आर का प्रयोग किए मजदूरी के अर्थ में। लेकिन सजा के अर्थ में देखिए, The wages of sin, पाप की सजा, sin माने पाप, पाप की सजा मौत है, is, verb singular हो गया, is death, तो पाप की सजा मौत है। तो यहां पर wages का जो प्रयोग इसमें जो दिए हैं वह प्रयोग जो है मजदूरी के अर्थ में है, इसलिए भर्व प्लुरल आएगा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों बात को जानना बहुत जरूरी है कि वेजेज का अर्थ मजदूरी भी होता है, सजा भी होता है। तो मजदूरी के अर्थ में भर्व प्लुरल, हिज वेजेज आर वेरी लो, और सजा के अर्थ में भर्व सिंगुलर, द वेजेज ऑफ सीन, सीन माने पाप, तो पाप की सजा इज, भर्व सिंगुलर, इज डेथ, मौत है, पाप की सजा मौत है। अभी जो हमने इन नाउंस को जो कलेक्ट किया है, तो इसमें हमने आपको जो कठिन वोकैबुलरी है उसको हमने यहां पर लिखा है। अब एनल्स मतलब इतिहास, और इसमें जो आपको नहीं आएंगे तो आप डिक्शनरी कंसल्ट कर लेंगे। एरियर्स मतलब बकाया धनराशि, गैलोज मतलब फांसी का फंदा, बिलोंगिंग्स मतलब चल संपत्ति, बॉवल्स मतलब अंतड़ियां आते, बिगॉन्स बीती बातें, सब इसी ग्रुप में है, जो देखने में भी प्लुरल और व्यवहार में भी प्लुरल होते हैं। कन्फाइंस मतलब सीमा, ड्यूज मतलब शुल्क, अर्निंग्स मीन्स कमाई, डूइंग्स मतलब कर्म, इंट्रेल्स मीन्स भी अंतड़ियां, मूवेबल्स मतलब चल संपत्ति, तो चल संपत्ति में बिलोंगिंग्स आया है और मूवेबल्स। ऑब्सिक्वीज मतलब अंतिम संस्कार, मरने के बाद जो किया जाता है उसका। द पिक्चर्स, देखिए पिक्चर माने तस्वीर, जैसे इसे आप देख रहे हैं तस्वीर है जो आप दीवार पर टांगते हैं, लेकिन सिनेमा के अर्थ में यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो सिनेमा के अर्थ में एक तो द लगेगा उसमें और प्लुरल रूप में आवेगा, द पिक्चर्स मतलब सिनेमा। आउटस्कर्ट्स सीमा, नप्सल्स विवाह संस्कार, प्रोसीड्स मतलब लाभ, स्वीट्स मिठाइयां, ट्वाइल्स शिकंजा, टीडिंग्स समाचार, सन्ड्रीज भिन्न भिन्न प्रकार की एक साथ जो वस्तुएं जो बांधी हुई रहती है, भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तु को जब हम एक साथ बांध देते हैं तो उसको हम सन्ड्रीज कहते हैं। अब मैन इज मतलब प्रेतात्माएं, तो आप इसको जो है थोड़ा ध्यान दे करके इसका मीनिंग जो है आप थोड़ा याद कर लेंगे। अगर इसके अलावा छूटा हुआ होगा तो आप उसका मीनिंग जो है कंसल्ट कर लेंगे डिक्शनरी से। मीनिंग जानना इसका जरूरी है, मीनिंग याद रखेंगे तभी इन शब्दों को याद रख सकते हैं। तो इसका तो एक भाग तो हम बता दिए कि जिस वैसे नाम जिसका दो भाग है,
दो भाग है, स्पेक्टेकल्स चश्मा देख रहे हैं दो भाग है, बिनोकुलर्स दूरबीन में भी दो भाग होते हैं, टोंग्स चिमटा का दो भाग है, सीजर्स कैंची दो भाग है, पैजामाज या ट्राउजर्स पैजामा जो पहनते हैं उसका दो भाग है, सॉक्स मोजा दो भाग है। तो जिसके दो भाग होते हैं वो भी इसी ग्रुप में है, ठीक से ठीक है इसमें, तो उसको आप अलग छांट लेंगे जिसके दो भाग होते हैं। बाकी है उसके बाद जो बचेगा उसको थोड़ा याद करेंगे, एक दो दिन समय देंगे, स्पेलिंग सहित उसका मीनिंग भी याद रखेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यह नाउंस जो है सो है कैसा नाउंस, जो देखने में प्लुरल लगते हैं और उनमें एस हटा करके, इनमें एस हटा करके सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, और इनके साथ भी वर्ब प्लुरल आते हैं। तो इसका लिस्ट भी जो है सो थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान देकर के इस पर आप मेहनत करेंगे। ऐसे तो नंबर के बाद जो काउंट नाउन आता है प्लूरल आता है, जैसे फाइव बॉयज, एट स्टूडेंट्स, टेन गर्ल्स आता है, लेकिन हाइफेनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल रूप में नहीं होगा। जैसे ही गेव मी 200 रुपीज, देखिए 100 और रूपी के बाद जो आ गया से हाइफन हो गया, तो इसके बाद जो है सो हाइफन के बाद जो नाउन आएगा वह सिंगुलर होगा। यहाँ पर नॉट रूपीज लिखेंगे, मतलब रूपीज नहीं लिखेंगे, रूपी ही रहेगा। ही स्टेज इन 5 स्टार, देखिए 5 स्टार के बीच में हाइफनेटेड है, तो हाइफन रहने पर वह नाउन सिंगुलर ही रहेगा, प्लूरल नहीं होगा, नाउन सिंगुलर ही रहेगा। एनएस मतलब नाउन सिंगुलर होगा, नॉट 5 स्टार्स, 5 स्टार्स ऐसे नहीं लिखेंगे, होटल्स, ठीक है। तो हाइफनेटेड में ध्यान देना है कि उसमें डिफिनिट नंबर के बाद जो नाउन आते हैं हाइफन के बाद वे हमेशा सिंगुलर होंगे, अगर हाइफन नहीं रहेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। जैसे 5 बॉयज, 10 स्टूडेंट्स, 5 चेयर्स। कुछ नाउंस का प्रयोग तो प्रायः गलत करते हैं, उन्हें सुधार करना होगा। जो हम लिखे इसको ध्यान दीजिएगा कि आप कहाँ कहाँ गलत करते हैं। चचेरा भाई या फुफेरा भाई जो भी है, कजन ब्रदर या कजन सिस्टर बहन, ऐसा प्रयोग नहीं। कजन ब्रदर, कजन सिस्टर गलत है, सही होगा सिर्फ कजन लिखेंगे। ए फ्रीशिप, छात्रवृत्ति के अंग्रेजी में ए फ्रीशिप गलत है, ए फ्री स्टूडेंटशिप होना चाहिए, ठीक है। पिक पॉकेटर्स, जेब कतरा को, जेब काटने वाला को पिक पॉकेटर नहीं कहा जाता है, पिक पॉकेट कहा जाता है। उसी तरह से बिग या स्मॉल ब्लंडर, ब्लंडर मतलब भारी भूल होता है, तो इसके पहले ना बिग या स्मॉल नहीं रहेगा, वह सिर्फ ब्लंडर होगा, भयानक भूल को कहते हैं ब्लंडर। ब्लंडर में छोटी गलती नहीं होती, उसको स्मॉल ब्लंडर नहीं लिखेंगे, भयंकर भूल के लिए सिर्फ ब्लंडर लिखेंगे, लेकिन बहुत लोग प्रयोग करते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रिज, ब्रिज स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, हाँ स्ट्रॉन्ग विंड हो सकता है लेकिन ब्रिज मंद हवा है, तो वह हवा या तो जेंटल हवा होगी या लाइट ब्रिज होगी, जेंटल ब्रिज या लाइट ब्रिज लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रिज नहीं, स्ट्रॉन्ग विंड होता है। बैड ड्रीम, कोई खराब सपना देखे तो उसका अंग्रेजी बैड ड्रीम नहीं होता है, नाइटमेयर होता है, नाइटमेयर याद रखना है। अगला नोट में दिए हैं ये भी समझना है, फ्लोर का मतलब फर्श होता है और ग्राउंड का मतलब जमीन होता है, दोनों में अंतर है। स्किल जो आप दक्षता या निपुणता प्राप्त करते हैं सीख करके जो प्राप्त करते हैं वो स्किल हुआ, लेकिन टैलेंट क्या होता है, जो जन्म से ही प्राप्त होता है, जन्मजात जो होता है उसको टैलेंट कहा जाता है।
एनवाई का मतलब होता है ईर्ष्या, जो दूसरों के चीज को देखकर या प्रगति को देखकर होता है उसको इनवाई कहते हैं। लेकिन जेलसी भी ईर्ष्या है। एक ईर्ष्या कैसा है कि अपने चीजों के खोने का जो डर होता है उससे जो ईर्ष्या होती है उसको हम जेलसी कहते हैं। तो यह भी महत्वपूर्ण चीज को आप ध्यान रखेंगे। यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो, किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन और फिर वही नाउन रिपीट हो जाए, वही नाउन रिपीट होकर के आ जाए, तो प्रीपोजिशन के साथ जो दोनों नाउन होंगे वे सिंगुलर ही होंगे, अभर्व भी सिंगुलर होगा। जैसे टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवास्टेटेड, मतलब टाउन के टाउन, शहर के शहर। टाउन आफ्टर टाउन का मतलब क्या हो गया, शहर के शहर, मतलब बहुत सारे शहर डिवास्टेटेड हो गए, मतलब बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। मैन आफ्टर मैन इज कमिंग, आदमी पर आदमी आ रहा है, ठीक है। ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, उसने दरवाजे दरवाजे पूछताछ की, ठीक है। तो देख रहे हैं दोनों नाउन जो है सो सिंगुलर ही रूप में आएगा, अभर भी सिंगुलर आएगा। इसमें कभी नहीं हो सकता है कि टाउन्स आफ्टर टाउन्स, गलत होगा। इसमें ऐसा नहीं लिख सकते हैं मेन आफ्टर मेन, अगर ऐसा प्रयोग करेंगे तो यह गलत प्रयोग होगा, ठीक है। कुछ नाउन्स जो अर्थ में प्लूरल होते हैं लेकिन यदि इनके पहले किसी निश्चित संख्या विशेषण, संख्या विशेषण जिसको न्यूमरल एडजेक्टिव कहा जाता है, का प्रयोग हो तो इनको प्लूरल में नहीं बदला जा सकता है। लेकिन इनके पहले निश्चित संख्या यदि नहीं हो तब इनको प्लूरल बना करके इनके साथ ऑफ का प्रयोग करना होगा। तो कौन कौन ऐसे नाउंस हैं जिसके पहले डिफिनिट नंबर रहने पर उनका प्लूरल नहीं बनता है, और वह डिफिनिट नंबर हटा देते हैं तो प्लूरल बनाते हैं और उसके बाद उसमें ऑफ जोड़ते हैं। जैसे देखिए ट्रिलियन, ट्रिलियन की ओर बढ़ रहा है, बिलियन ट्रिलियन, ट्रिलियन स्कोर, डजन, ग्रॉस, ग्रॉस मतलब 12 दर्जन का होता है, स्टोन इसका वजन 14 पाउंड भार का होता है स्टोन का, 100,000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये सब आया। तो यह ऐसे नाउंस हैं जिसके पहले निश्चित नंबर, डिफिनिट नंबर रहने पर इनका प्लूरल नहीं बनेगा। तो प्लूरल कब बनाएंगे, इनमें एक इनको शुरू में ही लाएंगे, इनके पहले कोई निश्चित संख्या नहीं रहेगा, उसको प्लूरल जब भी बनाएंगे तो प्लूरल बनाने के बाद ऑफ निश्चित रूप से आएगा। जैसे 20 million इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट, अब निश्चित संख्या है 20, तो मिलियंस नहीं होगा। आई हैव 200 rupees ओनली, टू आया है निश्चित संख्या है, प्लूरल नहीं हुआ। लेकिन हंड्रेड्स ऑफ पीपुल, देखिए हंड्रेड में एस लगाए तो हंड्रेड्स और उसके बाद ऑफ देना पड़ेगा, तो हंड्रेड्स ऑफ पीपुल मतलब सैकड़ों लोग, डजन्स ऑफ एग्स, दर्जनों अंडे, डजन्स ऑफ बनानास, दर्जनों केले, तो हंड्रेड्स ऑफ पीपुल केम टू सी द फेयर, मतलब सैकड़ों लोग जो है सो मेला को देखने के लिए आए। ही परचेज 3 लग गया तो डोजन ही रह जाएगा, 3 dozen पेंसिल्स। लेकिन डोजेंस ऑफ वुमेन, डोजेंस ऑफ वुमेन हैव कम टू वर्शिप, मतलब दर्जनों महिलाएं जो हैं आई हैं पूजा करने के लिए। यॉक, यॉक जो है सो ऑक्सन का एक नस्ल है यॉक, अब्रास मतलब फीता, भी न्यूमरल नाउंस हैं। इनके पहले यदि ए या कोई डिफिनिट नंबर हो तो भी सिंगुलर या प्लूरल दोनों रूप में एक समान ही रहते हैं। दो को याद रखिएगा, योक और ब्रास। जैसे ए योक सिंगुलर है, 5 yok प्लूरल में भी योक रहा, ए ब्रास, 5 brass, तो यहां पर ब्रासेज नहीं होगा, और ना ही इनका प्रयोग डोजन
हंड्रेड की तरह होगा या भी नहीं होगा, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। योक्स ऑफ ऐसा नहीं हो, प्रयोग होता है, या ब्रासेज ऑफ जिसको डोजन सब बनाए थे, इनका नहीं होता है उस तरह से प्रयोग। डोजन हंड्रेड की तरह, थाउजेंड मिलियन बिलियन ट्रिलियन की तरह प्लुरल रूप में इनका इस तरह से प्रयोग नहीं होता है। ये सिंगुलर और प्लुरल दोनों रूप में एक समान होते हैं, ठीक है। तो यह आपका पार्ट जो था, यह पार्ट आपका सिक्स था, सिक्स पार्ट आपका यहाँ पर पूरा हुआ। फिर अगले पार्ट में नाउन के और कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग को हम देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।